नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं असमत काटा तो अपने YouTube चैनल हैप्पी जर्नी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आज बात करेंगे टाइपिंग की। दोस्तों, टाइपिंग एक ऐसा कोर्स है जिसको आप ज्वाइन करके एक अच्छे से जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, आज का युग आधुनिक युग है। इस युग में एक नॉर्मल शॉप से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज में कंप्यूटर का प्रयोग होता है या कंप्यूटर का यूज होता है। दोस्तों, हर कंपनी को एक अच्छे से टाइपिस्ट की जरूरत होती है या हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे से कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है। अगर दोस्तों आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपके लिए मार्केट में सैकड़ों ऐसी जॉब है जो आपका इंतजार करती है। दोस्तों, आपको टाइपिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई स्पेशल डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है। जैसे IT है, पॉलिटेक्निक है, BTech है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऐसा कोई भी कोर्स के लिए आपको जरूरत नहीं होती है। चाहे आप दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, अगर दोस्तों आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के साथ में अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों, मैं कुछ जॉब बताऊंगा जो मार्केट में अभी कंप्यूटर टाइपिस्ट के लिए अवेलेबल है। जैसे दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में टाइपिस्ट की जॉब, पेपर टाइप करने के लिए, एप्लीकेशन टाइप करने के लिए या कुछ नोटिस टाइप करने के लिए एक हर कॉलेज या स्कूल में एक टाइपिस्ट की जरूरत होती है। दूसरा दोस्तों, स्टोर कीपर है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का एक स्टोर होता है, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्टोर कीपर रखती है। स्टोर कीपर का जॉब आपके लिए अवेलेबल है। ऑफिस असिस्टेंट है। दोस्तों, हर ऑफिस में एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, वो भी आप असिस्ट, अगर आपकी बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपको ऑफिस असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है। HR असिस्टेंट है, अकाउंटेंट असिस्टेंट है, मेडिकल स्टोर है, बुक स्टोर है या नॉर्मल ऐसा कोई भी स्टोर है जहाँ पे आपको अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों, टाइपिंग अच्छा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो आप टाइपिंग 30 दिन के अंदर अंदर सीख सकते हैं। दोस्तों, आपका डेली एक से दो घंटा आपको टाइपिंग के लिए देना होगा। दोस्तों, टाइपिंग सीखने के लिए मैं कुछ रूल्स बताएगा, उनको अच्छे से अगर फॉलो करेंगे आप तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने चेयर से सीधा बैठ जाए, फिर दोस्तों आप कीबोर्ड से टाइप करने का कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, एक ध्यान रखिए, आपका नजर सीधा मॉनिटर पे होना चाहिए, आप बार बार कीबोर्ड को ना देखें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो हो, लेकिन इस आदत को सुधारें। दोस्तों, आप बिना देखे टाइप करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। आपकी दोस्तों नजर सीधे मॉनिटर पे होनी चाहिए और आपके हाथ नीचे कीबोर्ड पे होने चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगे, आपकी आपका टाइपिंग वर्ड रॉन्ग आए, उसका आपको इग्नोर कीजिए और आप बिना देखे टाइप करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं टाइपिंग के लिए कुछ आपको बताएगा। जैसे आपका लेफ्ट हैंड है, उसके फर्स्ट फिंगर के अंदर कौन कौन से करेक्टर आते हैं, जैसे 1, Q, A, शिफ्ट और कंट्रोल, ये आपका लेफ्ट फिंगर के अंदर फर्स्ट फिंगर में, लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर में ये करेक्टर आते हैं। फिर लेफ्ट हैंड के सेकेंड फिंगर में आपके 2, W, S और Z, फिर लेफ्ट हैंड के थर्ड फिंगर में 3, E, D, X। दोस्तों, लेफ्ट हैंड का फोर जो फिंगर होता है वो आपके दो दो वर्ड को कवर करता है, जैसे 4, 5, R, T, F, Z, C, V। दोस्तों, आपका लेफ्ट साइड का जो थंब है इसको आप स्पेस के लिए यूज नहीं करेंगे, आप राइट हैंड का जो थंब है उसको लिए स्पेस बार के लिए यूज करेंगे। इसी प्रकार इसका 6, 7, U, Y, U, H, J, B, N या फर्स्ट फिंगर से यूज करेंगे। सेकेंड फिंगर से 8, I, K, M, फिर थर्ड फिंगर से 9, O, L, Dash, फिर फोर्थ फिंगर से 0, P, Dash, शिफ्ट कंट्रोल और एंटर। दोस्तों, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, ये कलर वाले फिंगर दिया हुआ है, जैसे आपका फर्स्ट फिंगर है कौन कौन से कलर वाले वर्ड को कवर करेगा, सेकेंड फिंगर किस कलर कौन कौन से करेक्टर को कवर करेगा। दोस्तों, टाइपिंग बहुत ही इजी है। दोस्तों, आपके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज टाइप की है, अगर उस एक्सरसाइज को आप डेली 1 से 2 घंटा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसके अंदर आप फर्स्ट डिक्लेयर करेंगे
जैसे वर्ड में हमें देख रहे हैं दोस्तों, हम थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं जैसे आपको इजिली नजर आ जाएगा। जैसे दोस्तों फर्स्ट डे का है अपना ASDFG, फिर स्पेस दिया HJKL और कॉमा। दोस्तों ये एक दिन का एक्सरसाइज है, अगर आप कंटिन्यू एक दिन तक इसको 1 से 2 घंटा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका हाथ सेट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे दिन का एक्सरसाइज दिया हुआ एक्सरसाइज नंबर 2, और इस एक्सरसाइज को दोस्तों आप कंटिन्यू 1 से 2 घंटा करेंगे तो इसमें भी आपका हाथ इजिली सेट हो जाएगा। फिर दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3, इसके अंदर अपन ऊपर वाले करेक्टर को इंक्लूड किया है और ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे करते करते मैंने आपके लिए 10 एक्सरसाइज जो है डाउनलोड किए, टाइप किए। अगर आप उसको ईमानदारी के साथ 1 से 2 घंटा डेली टाइप करेंगे तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपको टाइपिंग आ जाएगा। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उधर डाल देगा, आप उधर से डाउनलोड कॉपी करके अपने वर्ड में पेस्ट करके प्रिंट करके अपने सामने रख दीजिए, फिर इस एक्सरसाइज को देख के आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये दिया हुआ एक्सरसाइज पूरा मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप उसमें से वहां से कॉपी करके अपना टाइपिंग बढ़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका सपोर्ट मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे, मैं और वीडियो अपलोड करता रहूं जो आपके लिए जरूरी हो। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।